हेलो दोस्तों मैं हूं संतोष ने मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स चलिएगा शुरू करेंगे आज के वीडियो को जो भी हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के उनके एनालिसिस के साथ में और उसके प्रोडिक्शन के साथ में तो शुरुआत करेंगे पहले तो हम लोग निफ्टी के एनालिसिस के साथ में तो निफ्टी में गाइज कल आप लोग को पता है कि मैंने अपना एनालिसिस शेयर किया था आप लोग के साथ में कि मार्केट क्यों इस लेवल से ऊपर जा सकता है लेकिन मैंने फिर भी उसको बॉटम लेवल में बाई किया था मैंने दो तीन बजे इसको ब्रेकआउट के बेसिस पे बीटीएसटी नहीं करवाया था इसके लिए मेरा जो प्रॉफिट था वो काफी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बन के आया था थर्टी की सी कल के वीडियो मैंने कहा था कि हम लोगों की होल्डिंग में वन हंड्रेड से पाँच का आज इसने हाई लगाया था लगभग दस हजार रुपए एक लॉट के साथ में हम लोग प्रॉफिट हुआ है बहुत ही शानदार और क्यों इस लेवल से मार्केट जो है वो आज गिरा है प्राइस एक्शन का वीडियो शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी यहां पे अपलोड करके रखा हुआ है जाकर के उसे भी एक बार चेक कर लीजिएगा काफ़ी शानदार मोमेंटम हम लोग को फॉल में मिला है यानी कि पीई में भी मिला है एंड देन जो हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किए थे बैंक निफ्टी के उस हिसाब से भी देख लीजिएगा इस यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप ऑफ ओपनिंग के बाद में नीचे आ गया एंड देन नीचे देख लीजिए यहाँ पे ट्राई किया था इसने इसके ऊपर जाने का लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया था जो कि हमारा मैजिकल लेवल है फाइव मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं गया था एंड देन यहाँ से जो हम लोगों ने लेवल फोर डिस्कस किया था हम लोग को डाउन साइड में बहुत ही शानदार प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला है मार्केट में इस लेवल पे सो तो पी में काफी अच्छा खासा हम लोग का पैसा बना मैंने मॉर्निंग में ही इस लेवल पे रिजेक्शन के बेसिस पे एक पी .E. भी दी थी थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड की पी .E. दी थी पाँच सौ अस्सी रुपये पे और उसने कुछ अराउंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव रुपीज़ का हाई लगाया है बहुत शानदार प्रॉफिट हम लोग को मिला तो आप लोग देख सकते हो इस किस टाइप का ट्रेडिंग मैं करता हूँ छोटे मोटे 10, 20, 30 पॉइंट्स के ट्रेड्स जिस जब कभी भी जिन लेवल्स पे मुझे देखते हैं उन लेवल्स पे मैं ट्रेड करना पसंद ही नहीं करता रहा हूँ क्योंकि आजकल वैसे भी बैंक निफ्टी की वॉलीटिलिटी की वजह से 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जो है वो कम से कम निकल करके आ रहा है सो हम लोग जब कभी भी फुल स्टॉप लॉस लेते हैं सो फुल प्रॉफिट भी बनाना जरूरी पड़ता है क्योंकि दस बीस दस बीस पॉइंट्स अगर हम लोग कैलकुलेट्स करते बैठते हैं तीन चार अगर सक्सेसफुल ट्रेड्स हमारे हो भी जाते हैं एंड देन अगर अगर एक भी स्टॉक लॉस हिट हो जाता है तो जो प्रॉफिट लिया था उसके साथ में वो निकल के भी हम लोग का लॉस हो जाता है इसलिए मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं सिर्फ बड़े साइड में जाने वाले ट्रेड्स को ही इनिशिएट करूँ छोटे ट्रेड्स में मुझे जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं होता है इसलिए मैं रिवर्सल ट्रेडिंग को प्रेफर करता हूं अपने ट्रेडिंग के बेसिस पे और जैसे कि आप लोगों को पता है गाइज मैं आप लोगों के साथ में अपना जो भी प्राइम ग्रुप का रिसर्च है वो भी यहां पे आप लोगों को दिखाते रहता हूं तो यहां पे मेरे कॉल से उनका टाइम है आप इन स्टॉक्स को ले जा के अपने चार्ट्स पे चेक कर लीजिएगा टाइम्स के साथ में कि किस टाइप का प्राइस एक्शन का सेटअप जो है वो उन लेवल्स पे बना है क्यों उसे ट्रेड किया जा सकता है हालांकि इसमें से कुछ स्टॉक्स के ऊपर जिनमें अच्छा सा प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिला है अच्छा सा रिटर्न हम लोग को देखने को मिला है इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स बना करके पोस्ट किए हुआ कि इसके पीछे मैंने क्या लॉजिक्स लगाए थे आप लोग अगर लर्निंग में इंटरेस्ट रखते थे ज़रूर जा करके उन वीडियोस को भी देख लीजिए क्योंकि मैंने एक चीज़ को हमेशा से ऑब्जर्व किया है कि लोगों को लर्निंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी टेलीग्राम चैनल को मैं फॉलो कर रहा हूँ दस चैनल को फॉलो कर रहा हूँ तो कोई आएगा मुझे वहाँ पे कॉल पोस्ट करेगा फिर मैं उस कॉल पे ट्रेड करूँगा और पैसा कमाऊंगा तो ऐसे आप लोग जिंदगी में कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो नहीं बन पाओगे इस सारी चीज़ों का आप लोग को कुछ से सीखना पड़ेगा वैसे भी मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहा हूँ सो सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए खाली आप लोग का एफर्ट्स और टाइम जो है ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए अगर आप लोग के पास में अगर टाइम भी नहीं है तो फिर स्टॉक मार्केट आपका गेम नहीं है अगर आप लोग को लगता है कि लंच ब्रेक हुआ है किसी का कॉल देख लूँगा मैं खाना खाना खाते खाते पाँच सौ हज़ार रुपये प्रॉफिट मिल गया तो भी मेरे लिए बहुत है सो so, इतना इजी कोई भी बिजनेस नहीं होता है पाँच सौ हज़ार रुपये पाँच सौ हज़ार रुपये भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है पाँच सौ हज़ार रुपये अगर बीस दिन के भी आप लोग पकड़ लो ना तो कम से कम बीस हजार रुपये हो जाता है इतना तो कई सारे लोगों को सैलरी भी नहीं मिलती है पूरा एक महीना भर काम करने के लिए सो so, पाँच को भी आप लोग छोटा अमाउंट सोचने की गलती जो है वो तो कभी भी ना करना वो भी बहुत बड़ी रकम होती है और उतना कमाने के लिए लोग पूरा दिन भर काम करते हैं ट्रैवलिंग करते हैं राइट right, ट्रैफिक से गुजरते हैं तब जाकर के उनको वो सैलरी मिलती है सो so, काफ़ी सारे एफर्ट्स के साथ में अगर आप लोग को वो सारी चीजें मिलते तो आप लोग को इस चीज पे ध्यान रखना होगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले नहीं मिलेगी सक्सेस को कोई शॉर्टकट नहीं है जो एफर्ट्स जो मेहनत आप लोग को करनी है वो करनी ही है उसे कोई भी एक्सक्यूज नहीं है बात करेंगे गाइज जो भी हम लोगों ने तीन ब्रेकआउट स्टॉक्स डिस्कस किए थे उनके साथ में पहली थी पी की सो पी वी में देख लीजिए गैप ऑफ ओपनिंग आया था एंड देन हम लोगों का जो डिस्कस लेवल था मैजिकल लेवल उस लेवल से बाउंस बैक लिया एग्जैक्टली लेवल थ्री तक यानी कि सी में पैसा बना पी में कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो गई थी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी टू के नीचे यानी कि पी साइड में कोई कॉल नहीं आई थी सी में काफी अच्छा खासा पैसा जो है वो पी के बना है जो सेकंड कॉल हम लोगों ने डिस्कस किया था गाइज वो था बजाज ऑटो का बजाज ऑटो ने गैप ऑफ ओपनिंग दिया था एंड देन इसकी रफ्तार देख लीजिए पी में बहुत ही शानदार प्रॉफिट जो है वो बजाज ऑटो के भी बना है और जो थर्ड कॉल हम लोगों ने कल डिस्कस की थी वो थी पिरामल एंटरप्राइजेस की और अगर मैं इसमें कहूँ तो देख लीजिए मॉर्निंग में इसमें कोई भी सेल साइड का व्यू एक्टिवेटेड नहीं था आप लोग यहाँ पे इस लेवल पे बाई कर सकते थे लेवल टू जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो हम लोग को मिला एंड जब ये सेल साइड में आ गया तो हम लोग को डाउन साइड में भी लेवल टू मिला यानी कि लेवल टू पहले में अपसाइड और डाउनसाइड दोनों साइड में मिला है हम लोग को जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था सी और पी दोनों में मिल गया है यानी कि गैस 280 हंड्रेड एपिसोड्स तक हम लोगों का 99 परसेंट का एक्यूरेसी बरकरार है जो तीन स्टॉक्स डेली बेसिस पे मैं आप लोग के साथ में शेयर करते रहता हूं उसके साथ में सिर्फ आज तक एक स्टॉक में हमारा स्टॉक लॉस जो है वो हिट हो गया है हालांकि वो भी नाइन्टी नहीं होता है फिर भी हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं नाइन्टी नाइन का कोशिश रहेगी थ्री हंड्रेड एपिसोड्स तक इस एक्यूरेसी को बरकरार रख सकूँ चैनल पे अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद ही ऐसा कोई यूट्यूब चैनल रहेगा जो आप लोगों को इतने एक्यूरेट ब्रेकआउट स्टॉक्स जो कि ऑलरेडी ऑप्शंस में भी लिस्टेड है आप लोग ऑप्शंस को भी इसके रडार पे रख सकते हो इस टाइप की आप लोग को एक्यूरेसी देता हूँ और जो भी मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का मेरा मैजिकल लेवल शेयर करता हूँ या फिर जो भी प्रोडिक्शन शेयर करता हूँ वो भी कितना एक्यूरेट है वो आप लोग देख सकते हो सो so, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया है आप लोग टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस आप लोग का लाइक like और कमेंट जो है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग को मेरा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे है सो अगर अच्छा लग रहा है so, गाइस तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए बात करेंगे इस कल के दिन की पहली ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में वो रहेगी ग्रासिंग की तो ग्रासी में देख लीजिए एक बहुत सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो दोनों साइड से बनकर के आता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक के साथ में जिस किसी भी साइड में हम लोग को ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड में बहुत ही बेहतरीन मूव हम लोग को एक्सपेक्टेड है क्योंकि एंड ऑफ द डे इसमें काफी अच्छा सा वॉल्यूम जो है वो एंटर हो चुका है लेकिन अगर इस वॉल्यूम को इस कैंडल्स के साथ में हम लोग कंपेयर करेंगे क्योंकि देख लीजिए इससे पहले इसका ये एवरेज वॉल्यूम था फिर भी कैंडल्स की लेंथ को आप लोग देख सकते किस टाइप की लेंथ बनती है और उससे अच्छा वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे एंटर हो गया लेकिन फिर भी स्टॉक ने मोमेंटम नहीं किया यानी कि इसमें एक हिडन वॉल्यूम जो है वो एंटर्ड है जिस किसी भी साइड में हम लोग को फाइव मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग देगी उस साइड में हम लोग को एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है जैसे कि आप लोग को पता है कोई भी फाइव मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे सेटअप के हिसाब से क्लोज होनी चाहिए लेवल के ऊपर और अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी तब हम लोग मैनुअली अपने ऑर्डर को ट्रिगर करेंगे अगर ये लेवल स्टॉप लॉस है तो कोई भी फाइव मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो हम लोग मैन्युअली अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर करेंगे ना कि नंबर्स के साथ में खेलेंगे प्राइस एक्शन का सेटअप बहुत ज़्यादा जरूरी होता है मैजिकल लेवल्स के साथ में तो ग्रासिमन 1585 के ऊपर बुलिश है नाइन्टी और 1607 हमारे अपसाइड के लेवल से 1574 स्टॉप लॉस रहेगा इन केस बाइंग नहीं आता तो 1574 के नीचे बी एर है सेवेंटी सिक्सटी और 56 डाउनसाइड के लेवल से 1585 हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है बात करेंगे कल के दिन की सेकेंड स्टॉक के बारे में वो रहेगी आइशर मोटर्स की सो so, आइशर मोटर्स में गाइस देख लीजिए बहुत ही अच्छा सा हम लोगों को वॉल्यूम जो है वो एंड ऑफ द डे इसमें देखने को मिला है लेकिन स्टॉक में कोई मोमेंटम हम लोग को नहीं मिला है और अगर मैं इस आ, स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कर बोलो तो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट ये आज के दिन में और कल के दिन में जो है वो कर चुका है जो कि इसका परसों के दिन का यहाँ पे एक स्विंग लिया था उसी के दिन में इसने दो दिन को अपना स्पेंड किया है सो so अगर यहाँ से हम लोग को डाउन साइड का मोमेंटम मिलता है तो टू के ऊपर नीचे ंड्रेड एंड नाइन्टीव के ऊपर फोर हंड्रेड एंड टू थर्टीन और ट्वेंटी अपड के लेवल से टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड एटी वन हमारा स्टॉप लॉस है जब भी लेवल टू तो लेवल ट्रेडिंग करें आप लोग एक चीज पे हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो भी स्टॉक्स मैं आप लोग को देते रहता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर लिस्टेड है यानी कि आप लोग फ्यूचर्स को और ऑप्शन दोनों को अपने रडार पर रख सकते हैं सिर्फ एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना होगा कि अगर आप लोग ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है वो या तो इन द मनी होना चाहिए या तो एट द मनी होना चाहिए आउट द मनी पे ट्रेड करने के लॉजिक जो होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं इनफी हमारी थर्ड ब्रेकआउट स्टॉक रहेगी डाउन साइड से एक अच्छा सा सपोर्ट जो आ रहा है और एग्जैक्टली यहाँ पे दो बार सपोर्ट क्रिएट करके ये अपसाइड में मूव ऑन कर गया है और यहाँ पे इस डबल बॉटम का नेकलाइन है और ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट करके अगर यहाँ से मूव ऑन कर जाता है तो 1878 के ऊपर बोलिश हो जाएगा 83.91 और 1900 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे 67 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इन केस अगर फेक ब्रेकआउट के साथ में अगर ये नीचे आ जाता है तो so, 1867 के नीचे वीक है 615647 डाउनसाइड के लेवल से 1878 हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है सो so, हम लोगों ने डिस्कस किया गया यहाँ पे बेहतरीन तीन मेरे ब्रेकआउट स्टॉक्स अब बारी है कि हम लोग यहाँ पे इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर ले कि किस टाइप का सेटअप और किस टाइप का फॉर्मेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है सो so वाइज यहाँ पे निफ्टी जिस टाइप का फॉर्मेशन हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी पर जब चला जाऊंगा तो आप लोगों को प्रॉपर रेजिस्टेंस दिखाऊंगा एक्चुअली इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बना करके रखा हुआ है अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो जा करके देख लीजिए उसका लिंक जो हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप लोग को देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी में कैसे आज हम लोगों ने 250 पॉइंट्स ऑप्शंस में मूव जो है वो कैच किया था उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए आप लोग को उसमें डिटेल एनालिसिस सारा मिल जाएगा तो यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट लगा के मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर जो है इस लेवल पे सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है लेकिन ये कैंडल जो है वो बियरिश कैंडल बनी है सो so, एक्सपायरी जो है वो हमारी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं जाने वाली है कल के दिन में बहुत ज्यादा टाइम डी के और ट्रैपिंग जो है उसके एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहे हैं इंट्राडे के लिए कुछ लेवल्स आप लोग के लिए ड्रॉ करके रखे हुए क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं आज वैसे भी कोई भी पोजिशन को हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करके चल रहे मैं खुद भी नहीं चल रहा हूँ तो बहुत बेहतरीन एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे निफ्टी के लिए मुझे जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है इस हिसाब से 17,300 के ऊपर निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है 340, 384, 437 और 470 हमारे अपसाइड के लेवल से इन केस अगर इसमें बाइंग नहीं आते तो 17,220 के नीचे वीक है 187, 152, 116 और 17,066 हमारे डाउन के लेवल्स होने वाले गाइज जो भी लेवल्स मैं आप लोग को देते रहता हूँ ब्रेकआउट स्टॉक्स के रहें वो चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी के आप लोग को इन्हें अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ करके कर रख देना चाहिए ताकि लाइव मार्केट आर्ट्स में जब भी प्राइस एक्शन इन लेवल्स के साथ में बने आप लोग को ट्रेड करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो इन नंबर्स को डायरी में पेपर पर पे लिख करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है ये चार्ट्स चार्ट ही चाहिए ताकि जब कभी भी पैटर्नस बने तो उन्हें आइडेंटिफाई करने में आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे जो भी मेरे मैजिकल लेवल से उसके साथ में तो so, मैंने अपने वीडियो में आप लोग को बताया था अभी यहाँ पे शॉर्ट पे बता देता हूँ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे एक जोन दिख रहा है मुझे सो so सोग्जैक्टली exactly इस लेवल पे यहाँ पे रिजेक्शन मिला था यहाँ पे देख लीजिए सपोर्ट जो है वो तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा टाइम पे किया था और कल मैंने यहाँ पे इस बेसिस पे सी बाई करवाया था क्योंकि मेरा टारगेट था कि कम से कम आज के ओपनिंग तक एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस को टच कर जाएगा बैंक निफ्टी वो हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोग को सी में मिला एंड देन फिर मैंने यहाँ पे पी का ट्रेड इनिशिएट किया था एकदम टॉप पर रिवर्सल ट्रेडिंग के बेसिस पे उसमें भी बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट जो है वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है सो so, यहाँ पे एज इफ ना अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करोगे तो बैंक निफ्टी कम्पलीटली बीरिश लग रही है एक अच्छे से वॉल्यूम के साथ में भी लेकिन यहाँ पे एक ऐसा जोन है जिसके नीचे जो बैंक निफ्टी है वो सपोर्ट फेस करने वाली यानी कि जब तक ये तीन दिन पहले वाला लो नहीं जाता है तब तक बैंक निफ्टी में कोई भी फ्रेश सेलिंग नहीं आएगा तब तक बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाएगा डिपेंड करता है कल कितना गैप डाउन हम लोग को ओपनिंग मिलता है तो यानी कि जो भी हमारी हीरो जीरो की कॉल कल के दिन में एक्सपेक्टेड है मुझे वो सी साइड में एक्सपेक्टेड है लेट्स सी क्या होता है क्योंकि हम लोग को प्रीमियम डीके के चक्कर में नहीं फंसना है वैसे भी क्योंकि कल एक्सपायरी के दिन बहुत ही फास्ट में प्रीमियम डीके हो जाता है तो so, मैं उस टाइप का कोई भी रिस्क नहीं लूँगा हालाँकि फ्राइडे से आप लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी निफ्टी में बहुत ही शानदार प्रॉफिट हम लोग अभी तक ले चुके हैं मैंने जितने भी मूव्स आप लोग को दिखाए थ्री हंड्रेड फोर पॉइंट्स ऑप्शन के चार्ट पे डेली बेसिस पे से भी ज़्यादा ही दिखाई है दस बीस पॉइंट का कोई नहीं है so, सो कल अगर ट्रेड बनता है तो भी ठीक है नहीं बनता है तो भी मुझे उसमें मतलब किसी जलती हुई आग में कूद जाने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैंने अपने आ, आ, नॉलेज के हिसाब से जो भी अच्छा लगा उस बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हम लोग इंटराडे ट्रेडर्स है तो रोज़ ट्रेड किया जाए तो मैं वेट करूंगा किसी अपॉर्चुनिटी का जब वो मुझे मिलेगी तो ट्रेड करूंगा नहीं मिलेगी तो नहीं करूंगा क्योंकि बैंक निफ्टी अभी अपने रिस्क के लेवल पर ट्रेड कर रही है थर्टी के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर निकल जाता है तो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा 308 401 482 और 602 हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे इन केस अगर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके नीचे आ जाता है और हम लोग को बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग नहीं मिलता है तो 36100 के नीचे बैंक निफ्टी का फ्यूचर वीक है 36897 766 और 632 हमारे डाउनसाइड के लेवल्स होने वाले हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे अपने बेहतरीन तीन ब्रेकआउट स्टॉक्स उसके लॉजिक्स टारगेट्स स्टॉप लॉस और लेवल्स के साथ में डिस्कस किए वहाँ आप लोग के साथ में साथ में मैंने आप लोग के साथ में अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन उसके मैजिकल लेवल्स के साथ में मेरे व्यू के साथ में शेयर किया हुआ है अगर आप लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया है आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज मेरे मोटिवेशन के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो अगर लाइक और कमेंट नहीं किया तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए थैंक यू सो मच